नमस्कार आप सभी को। मैं पवन शर्मा, अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो, थोड़ा सा ध्यान हो आपको, तो मैंने आपको कुछ रोगों की लिस्ट तैयार करवाई थी और किससे होने वाले रोग बताए थे, वायरस से होने वाले रोग, तो उनको वहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ और पढ़ते हैं। अब हम जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ते हैं। किससे होने वाले रोग पढ़ते हैं? जीवाणु से होने वाले रोगों की एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, सिर्फ नाम नाम पढ़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिससे आपको रोगों का केवल नाम याद हो जाए, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले रोग को देख लेते हैं। हैजा, और दूसरा नाम कॉलेरा। दूसरा नाम क्या है? कॉलेरा। फिर क्या आता है? ब्लैक, और ब्लैक डेथ, या फिर मैं क्या बोल दूं इसी को ही, काली मौत। क्या बोल देता हूं? काली मौत। तीसरा टिटनस। क्या बोल देता हूं? टिटनस, या फिर लॉक जॉ। लॉक जॉ, ये टिटनस। दो नाम हो गए। तीसरा नाम एलओसी के लॉक जो है, ठीक है, एलओसी के लॉक जो, या फिर तीसरा नाम धनुष्टंकार। तीसरा नाम क्या है? धनुष्टंकार। ये एक ही रोग के नाम है। लॉक जॉ, लॉक का मतलब बंद हो जाना, जॉ का मतलब जबड़ा, जॉ का मतलब जबड़ा। चौथा देखिएगा, वूपिंग कफ बोल लो, काली खांसी बोल लो, कुकर खांसी बोल लो, काली खांसी। और इस नाम से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कुकर खांसी, और तीसरा बड़े वूपिंग कफ। क्या है? वूपिंग कफ, कुकर खांसी या काली खांसी, तीन नाम इसके हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, कोड। कोड नाम से क्वेश्चन नहीं आया तो कुष्ठ। कुष्ठ नाम से भी क्वेश्चन नहीं आया तो हैंसन का रोग। किसका रोग? हैंसन का रोग। और अगर इस नाम से भी क्वेश्चन नहीं आया, कोड नाम से आ सकता है, कुष्ठ नाम से आ सकता है, हैंसन के रोग नाम से आ सकता है, या फिर लेप्रोसी। किस नाम से? लेप्रोसी नाम से। नेक्स्ट कौन सा? निमोनिया। फिर कौन सा? डिप्थीरिया। अब अगर इस नाम से क्वेश्चन नहीं आए तो डिप्थीरिया के अलावा फिर क्या बोल दोगे आप उसको? कंठ रोहिणी। क्या बोलोगे? कंठ रोहिणी। तो देखो एक बार ध्यान से, हैजा बोल लो या फिर क्या बोल लो? कोलेरा बोल लो, प्लैग बोल लो या फिर क्या बोल लो? काली मौत बोल लो, टिटनस बोल लो, लॉक जॉ बोल लो, धनुष्टंकार बोल लो, काली खांसी या कुकर खांसी या वूपिंग कफ, कोड बोल लो, कुष्ठ बोल लो, हैंसन का रोग बोल लो, या फिर क्या बोल लो? लेप्रोसी। क्या बोलोगे? लेप्रोसी। निमोनिया। नेक्स्ट क्या है? डिप्थीरिया। या दूसरा नाम क्या है? कंठ रोहिणी। देखो मैंने कंठ रोहिणी लिखा, वायरस में कोई लिखा होगा, मैंने गर्ल्स हुआ मॉम्स, उसको मैंने नाम दिया था कंठ माला करो। किसका नाम दिया था? कंठ माला करो। अब या तो ये वाला वर्ड काम में ले सकते हो, कौन सा? टाइफाइड। और अगर टाइफाइड भी वर्ड काम में नहीं आया तो फिर मियादी बुखार। क्या लिख सकते हैं? मियादी बुखार। तो एक छोटे से लिस्ट तैयार हो गई, या कुछ रोगों के नाम हैं जो किससे होने वाले हैं, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले हैं, ठीक है। वायरस के पहले पढ़ लिए थे हमने, ये किसका था? बैक्टीरिया का था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब तीसरी कैटेगरी, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय जीव, पहले मैं बता चुका हूं, ठीक है, जब शब्द परिचय दिया था आपको, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पहला कौन सा? मलेरिया। दूसरा कौन सा? अमीबिया।
पेचिस, ठीक है, पेचिस नाम से भी आ सकता है। तीसरा कौन सा? काला आजार। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, प्रोटोजो का नाम होगा लीशमानिया डोनोवेली, पर अभी मैं किसी का भी जिक्र इतना नहीं कर रहा हूँ, आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। अफ्रीकन निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग चौथे नंबर का ये हो गया। पांचवे नंबर का, पांचवे नंबर का क्या आ गया? डायरिया। क्या आ गया? डायरिया। ठीक है, ये किससे होने वाले हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, जो काफी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो उनसे होने वाले कौन कौन से हैं? मलेरिया, अमीबिया, पेचिस। पेचिस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। कालाजर बोल लो, अफ्रीका निद्रा रोग बोल लो, या फिर क्या बोल लो? डायरिया। ठीक है, ये क्या हो गए आपके पांच नाम हो गए, किससे होने वाले हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले हैं। आगे चलें, तीसरी कैटेगरी थी है? हेलिमंथीस से होने वाले। किससे होने वाले? हेलिमंथी से होने वाले। हेलिमंथी शब्द का परिचय तो हम पहले देख ही चुके हैं, अकशेरुकी में नॉन कॉर्डेटा में जो सातवां और आठवां वर्ग था, प्लेटी हेलमंथीज, एसके हेलमंथी, प्लेटी हेलमंथीज और एसके हेलमंथी, तो उनसे होने वाले रोग, उस श्रेणी में आने वाले जीवों से होने वाले रोग। बाल नारू रोग, कौन सा? बाल नारू रोग। नेक्स्ट कौन सा है? एस्केरियसिस। कौन सा है? एस्केरियसिस। दो हो गए, तीसरा, तीसरा है हाथी पांव रोग। कौन सा रोग है? हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग अगर इस नाम से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप क्या बोलेंगे? फील पांव रोग। क्या बोलोगे? फील पांव। इस नाम से भी क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे? फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस। ये तीन रोग हो गए, किससे होने वाले? हेलिमंथी से होने वाले। ठीक है, वायरस के पढ़े, उसके बाद जीवाणु के पढ़े, उसके बाद प्रोटोजोआ के पढ़े, उसके बाद किससे पढ़े हमने? हेलिमंथी से पढ़े। आगे चलें, पादप जगत का जिसको अपवाद कहा जाता है, पादप जगत का जिसको क्या कहा जाता है? अपवाद कहा जाता है, वो क्या है? कवक। क्या है? कवक। उससे होने वाले रोग छोटे छोटे से रोग हैं, गंजापन हो गया, दाद हो गया, खुजली हो गया, अस्थमा, सांस की बीमारी जिसको देसी भाषा में कहते हैं, अस्थमा हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये सारे के सारे किससे हो रहे हैं? कवक से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? कवक से हो रहे हैं। गंजापन हो गया, दाद हो गया, खुजली हो गया, अस्थमा हो गया, एथलीट फुट हो गया। ठीक है, चलें आगे, पहले वायरस, फिर जीवाणु, फिर प्रोटोजोआ, फिर हेलिमंथीज, फिर कवक। देखो ध्यान से, थोड़ी सी नई श्रेणी पकड़ते हैं आपको। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले रोगों को ही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले रोगों को ही क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीज, अनुवांशिक रोग। कुछ नाम देख लेते हैं इसमें भी। हिमोफीलिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। दूसरा नाम शाही रोग। शाही रोग की इंग्लिश कर दो, तीसरा नाम हो जाएगा रॉयल डिजीज। क्या हो जाएगा? रॉयल डिजीज। रेलवे में बच्चे इसी की वजह से रह जाते हैं, वर्णांधता। किसकी वजह से रह जाते हैं? वर्णांधता की वजह से रह जाते हैं। सबसे पहले डाल्टन को हुआ था, तो क्या नाम दे दिया? डाल्टेनिज्म। रंग ये समझ में नहीं आते, आगे चल के पढ़ेंगे, रेड और ग्रीन जो कलर होते हैं उसको नजर नहीं आते। ठीक है, तो अब रंग समझ में नहीं आ रहे हैं तो कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोल दो? कलर ब्लाइंडनेस। ये पहला नाम हुआ कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा नाम डाल्टेनिज्म, तीसरा नाम क्या हुआ? वर्णांधता। तीसरा देखो, आरबीसी का हसियाकार हो जाना। हसिया तो समझते हो ना सब?
सिकल सेल एनीमिया, क्या हो गया? सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्या है? एल्बिनिज्म, या फिर मैं कुछ और कहूं उसे अपनी भाषा में, पूरे शरीर का सफेद नजर आना, संपूर्ण त्वचा से मेलेनिन का ही गायब हो जाना, संपूर्ण त्वचा से मेलेनिन का गायब हो जाना। एल्बिनिज्म, ठीक है। इसके अलावा भी फिनाइल कीटो यूरिया ये सब आ जाते हैं आपके। तो ये क्या हुए? अनुवांशिक रोग हुए, जो टॉप मोस्ट आपके लिस्ट में आते हैं, ये क्या हुए? अनुवांशिक रोग। अभी मैं गुणसूत्र के डिसऑर्डर की या सिंड्रोम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंड्रोम मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिंड्रोम आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो ये कुछ रोगों के नाम हुए। आगे चले, देखो कुछ उपापचय संबंधी रोगों के नाम बताओ, जैसे आपने पढ़ा होगा फिनाइल कीटो यूरिया, ठीक है, पार्किंसन पढ़ा होगा, पार्किंसन पढ़ा होगा, कंपन वाले हाथ पैर कांपते रहते हैं, परमानेंट मेमोरी लॉस, परमानेंट मेमोरी लॉस। अन्य रोगों की श्रेणी में आप लेके चलिए इसे, ठीक है ना। पार्किंसन, हाथ पैर कांपते रहते हैं, एक परमानेंट मेमोरी लॉस क्या हो जाता है? अल्जाइमर। क्या हो जाता है? अल्जाइमर। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण ही बंद हो जाता है, वो रोग क्या कहलाता है? थैलेसीमिया। क्या कहलाता है? थैलेसीमिया। अब देखो थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में बता देता हूं, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तब तक सिंड्रोम समझ में नहीं आएंगे। क्या समझ में नहीं आएंगे? सिंड्रोम समझ में नहीं आएंगे। और सिंड्रोम के ऊपर हर दूसरे तीसरे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है। गुणसूत्र बोल लो, क्रोमोसोम बोल लो, ठीक है। इधर देखो, तो अगर मैं टोटल की बात करूं, अगर मैं टोटल की बात करता हूं तो कितने हुए? 23 जोड़ी, डबल कर दो इनका, कितने हुए टोटल? 46। कितने हुए? 46। अब इन 46 को ही तोड़ना है, इन 23 जोड़ी को ही तोड़ना है। तो देखो ध्यान से, 22 जोड़े, 22 जोड़े टोटल करो, और यहां पे क्या आएगा? 23वां जोड़ा। तो 23वें जोड़े में टोटल कितने आएंगे? दो, ठीक है, दो ये हो गए, 44 ये हो गए, कितने हो गए? 46। टोटल कितने हैं? 46। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। किसकी बात कर रहे हैं? गुणसूत्र की। किसकी बात कर रहे हैं? गुणसूत्र की। दूसरा वर्ड कम ले लूं, इंग्लिश वर्ड कम ले लूं तो क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। अब थोड़ा सा इनका परिचय देख लीजिएगा, ये जो 22 जोड़े हैं नर में मादा में, नर में और मादा में कैसे होते हैं? समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। अभी किसका निर्माण करते हैं? हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, काया का निर्माण करते हैं, काया के निर्माण में सहायक होते हैं। लिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? काया का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, देह का निर्माण करते हैं। चूंकि काया का निर्माण करते हैं इसलिए एक वर्ड काम में आता है इनके लिए। किन के लिए? 22 जोड़ों के लिए। टोटल कितने हुए? 44। क्या करते हैं? काया का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या बोल दिया? नहीं, कोई काई गुणसूत्र, बस ये वाला वर्ड जोड़ दिया। अब देह शरीर, अभी तो पढ़ा हमने काया का निर्माण करते हैं, तो वही तो बात है, इसलिए इनको क्या बोल दिया? देह गुणसूत्र। बस ये इनका छोटा सा परिचय हो, मतलब ये हमारे शरीर के ढांचे के निर्माण में काम में आएंगे, ठीक है। लैंगिक रूपता ये निर्धारित नहीं करते हैं। जैसे 23 जोड़ी टोटल हमने करे, 46 कर दिए, उनमें से 22 जोड़ी हुए, 22 जोड़ी 44 हुए। अब उनके बारे में बताइए, ये जो 44 है इनके बारे में हमने क्या बताया? तो पहला क्या था हमारा? नर मादा में समान होते हैं। दूसरा क्या था? काया का निर्माण करते हैं, मतलब हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए क्या बोल दिया? कायिक गुणसूत्र बोल दिया। तीसरा क्या काम ने? वही काया, शरीर के लिए एक वर्ड और ले लिया, देह, तो उसी से एक नया शब्द बना दिया, देह गुणसूत्र। क्या बना दिया? देह गुणसूत्र। ये इनका परिचय हुआ। अब किसकी बात करते हैं? 23 से जोड़े की बात करते हैं। 23 से जोड़े मतलब कितने गुणसूत्र की बात करेंगे? केवल दो। कितने की बात करेंगे? केवल दो गुणसूत्र की बात करेंगे। तो ये नर और मादा में, नर और मादा में समान होते हैं कि समान नहीं होते? समान तो ये होता है ना, तो ये कैसे होंगे? असमान होंगे। कैसे होते हैं? असमान होते हैं। अच्छा ठीक है, ये काया के निर्माण में काम में है, शरीर के निर्माण में काम में है, देह के निर्माण में काम है, इसलिए ये वाली संज्ञा आ गई। तो फिर ये किसका निर्माण करते हैं? लिंग निर्माण। ये किसका निर्माण करते हैं? लिंग निर्माण करते हैं। क्योंकि लिंग निर्माण करते हैं इसलिए, लिंग निर्माण करते हैं इसलिए इनके लिए जो वर्ड काम में आता है लैंगिक गुणसूत्र।
क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र, कोई सा भी वर्ड काम में ले सकते हो, क्योंकि किसका फॉर्मेशन करते हैं, लिंग किसका करते हैं, निर्धारण किसका करते हैं, लिंग का करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, इनमें विभाजन हो गया, थोड़ा सा अंतर हो गया। शरीर में अगर कोई दोष पैदा होगा, कुछ भी होगा, तो उसके लिए ये जिम्मेदार होंगे, उसके लिए ये जिम्मेदार होंगे, ठीक है। लिंग संबंधी अगर कोई भी समस्या हुई तो उसके लिए ये वाला जोड़ा जिम्मेदार होगा। अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दोबारा से बता देता हूँ एक बार। मैं गुणसूत्र की बात करते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो अगर टोटल की हम बात करें, कुल की हम बात करें, तो 23 जोड़ी मतलब 46, इनको दो भागों में बांट दिया, 22 जोड़े 44 ये हो गए, 23 जोड़ा दो ये हो गए। 22 जोड़े या 44 गुणसूत्रों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि काया का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए कायिक गुणसूत्र बोल दिया। देह का निर्माण करते हैं, इसलिए दैहिक गुणसूत्र बोल दिया। 23 जोड़े जिसमें दो गुणसूत्र आते हैं नर और मादा में, वो असमान होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। ये क्या होते हैं? ये समान होते हैं। और ये क्या होते हैं? असमान होते हैं। लिंग का निर्माण करते हैं लैंगिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र, क्या बोल सकते हो? लिंग गुणसूत्र। बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। अगली बार समझ में, तो दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, अगर लिंग संबंधी कोई समस्या है, लैंगिक रूपता में ही अगर रुकावट पैदा हो रही है या वो क्लियर नहीं है, तो उसके लिए ये दो जिम्मेदार होंगे, दो गुणसूत्र जिम्मेदार होंगे। शरीर में समस्या है या कुछ और ढांचेगत समस्या है, तो उसके लिए ये 44 जिम्मेदार होंगे। ये छोटी सी कहानी थी, किसकी थी? गुणसूत्र की। इंग्लिश का वर्ड मैं लूँ तो मैं क्या बोलूँगा? क्रोमोसोम। क्या बोलूँगा? क्रोमोसोम। चले आगे देखो, अब आपको क्या पढ़ाता हूँ? सिंड्रोम पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? सिंड्रोम पढ़ाता हूँ। तो सिंड्रोम वर्ड बहुत काम में आता है। सिंड्रोम का सीधा अर्थ क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, असामान्यताओं का समूह, असामान्यताओं का क्या होता है? समूह होता है, ठीक है। तो पहले तो क्या पढ़ रहे थे हम? सिंड्रोम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सिंड्रोम पढ़ रहे थे। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? असामान्यताओं का समूह। किसका समूह? असामान्यताओं का समूह। तो जब भी सिंड्रोम पढ़ेंगे तो गुणसूत्र से संबंधित पढ़ेंगे। किससे संबंधित पढ़ेंगे? गुणसूत्र में गड़बड़ी हुई तभी तो क्या हुआ? असामान्यताओं का समूह बना है। तो पहले हम किससे संबंधित पढ़ेंगे? लिंग गुणसूत्र संबंधित, और उसमें भी हम किससे संबंधित पढ़ेंगे? संख्या से। संख्या ऊपर नीचे कर देंगे। देखो ध्यान से, तीन निकल कर आते हैं इसमें। कितने निकल कर आते हैं? तीन निकल कर आते हैं। क्लाइन फेल्टर, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। पहला कौन सा है? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तीन को एक साथ समझाऊंगा, देख लेना, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं बस इनके। एक क्या होता है? जैकब सिंड्रोम। कौन सा? जैकब सिंड्रोम। और क्या होता है? टर्नर। वर्ड कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। ये लो, ध्यान से देखो इनको, ठीक है। तीन वर्ड मैंने लिखे हैं, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन करना है, तब जाकर असामान्यताओं का समूह बनेगा। उन असामान्यताओं के समूह को हम कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। तो उन सिंड्रोमों के नाम क्या क्या होंगे? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। अब मैंने क्या लिखा है? लिंग गुणसूत्र। इसका मतलब आपको 23वें जोड़े से छेड़खानी करनी है, 44 तक आपको कुछ भी नहीं करना है। 44 तक आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, आपको 23वें जोड़े से छेड़खानी करनी है, मतलब 45 और 46। किसे करनी है? 45 और 46। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को देखते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, नॉर्मली मैं कह देता हूं कि इसका फॉर्मूला ये होगा या ये होना चाहिए था, ठीक है। इसको बनना तो क्या चाहिए था? 44 प्लस में XY, तो क्या बनना चाहिए था? नर। क्या बनना चाहिए था? तो एक ऐसा नर है जिसमें मादा के लक्षण आ गए। वो मादा के लक्षण किस वजह से आए? क्योंकि इसमें एक एक्स ज्यादा हो गया। क्योंकि इसमें क्या हो गया? एक एक्स ज्यादा हो गया। एक एक्स ज्यादा होते ही इसमें मादा के क्या आ गए? लक्षण आ गए। तो अगर ये पूछी ला जाए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसमें होता है? नर में या मादा में? नर में या मादा में? तो इसका आंसर क्या दोगे आप? नर। क्या दोगे? नर, ठीक है। अब बिल्कुल इसका अपोजिट अगर मैं बात करूं तो क्या है? टर्नर सिंड्रोम। देखो ध्यान से, टर्नर सिंड्रोम में भी 45-46 से छेड़खानी करनी है। किसे करनी है? 45-46 से।
तो बन्नी तो ये चाहिए थी, फर्स्ट लुक में तो क्या लगी, जैसे ये मादा है, क्या है ये, मादा है, लेकिन ये मादा नहीं हुई। देखो ध्यान से इसके साथ क्या हुआ, तो एक्स एक्स ना होकर एक्स जीरो, एक्स एक्स ना होकर क्या हो गया, एक्स जीरो, एक्स एक्स होना चाहिए था लेकिन क्या हुआ, एक्स जीरो, तो ये क्या है, आधी मादा, क्या है ये, आधी मादा। फॉर्मूला क्या हुआ, 44 + x0। अब ये बात आ जाएगी, टर्नर सिंड्रोम किसमें हुआ, वो नर में हुआ, तो बिल्कुल अपोजिट कर दो, ये किसमें बताओगे, मादा में, किसमें बताओगे, मादा में। लास्ट देखो जैकब सिंड्रोम, ठीक है, जैकब सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या हुआ, नर हुआ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नर हो जाता है, ज्यादा ही नर होने का मतलब एक वाई इसमें क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये बचपन से ही इसके बारे में जो स्पेशल थिंग है वो बता देता हूं मैं आपको, बचपन से क्रिमिनल नेचर का होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है, कैसा होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, क्या पढ़ रहे हैं हम, सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, असामान्यताओं का समूह, असामान्यताओं का समूह शरीर में तभी आएगा जब गुणसूत्र में क्या होगा, संख्या में कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। अब लिंग गुणसूत्र की संख्या में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन करेंगे। लिंग गुणसूत्र शब्द दिमाग में आते या फिर सुनते ही आपको क्या अंदाजा लगाना है, 44 तक कोई छेड़खानी नहीं करने, 22 जोड़े तक कोई छेड़खानी नहीं करनी, 45 वे गुणसूत्र और 46 वे गुणसूत्र से छेड़खानी करनी है। इसके बाद आपको सीधा इनका फॉर्मूला याद रखना है। देखो ध्यान से, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भाई 44 44 और 44, तीनों में 44 44, मतलब जो छेड़खानी करी है वो 23वें जोड़े से करी है, किससे करी है, 23वें जोड़े से करी है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या होता है, 44 + x x y। जैकब सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या होता है, 44 + x y y। टर्नर सिंड्रोम का फॉर्मूला क्या होता है, 44 + x0, 44 + x0। ये हमने क्या पढ़ा था, लिंग गुण सूत्र, और किसमें परिवर्तन पढ़ा था, संख्या में, किसमें पढ़ा था, संख्या में। अब लिंग की जगह क्या पढ़ेंगे, अलिंग गुण सूत्र, क्या पढ़ेंगे, चले आगे, आगे समझ में। देखो अलिंग गुणसूत्र वो पहला था हमारा, ये दो नंबर डाल देते हैं, और इसमें भी हम किसमें परिवर्तन करेंगे, संख्या में। संरचना वर्ड में काम में नहीं ले रहा, संरचना भी नहीं समझा रहा हूं कि संरचना की वजह से भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम संख्या क्या पढ़ रहे हैं। अलिंग गुणसूत्र नाम आते ही, अलिंग गुणसूत्र नाम आते ही आपको क्या आना चाहिए याद, कि हमको 1 से 22 तक, 1 से 44 तक, 1 से 22 तक क्या करना है, संख्या में ऊपर नीचे करना है। 45 से 46 में गुणसूत्र को नहीं छेड़ना है, 23वें गुणसूत्र को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। देखिए ध्यान से इसका पहला, देखिए पटाऊ सिंड्रोम, क्या नाम है, पटाऊ सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है, एड वर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तीसरा क्या है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम नाम से भी क्वेश्चन आता है इसका। एक नाम और फेमस है, दूसरा नाम क्या है इसका, मंगोलिज्म, मूर्ख, मूर्ख तो खैर बहुत सारे होते हैं, पर ये कुछ स्पेशल टाइप का मूर्ख है, इसका नाम क्या है, मंगोलिज्म मूर्ख। देखो ध्यान से, अलिंग गुणसूत्र नाम आते ही ये दिमाग में आनी चाहिए बात, 1 से 22 जोड़े गुणसूत्र तक छेड़खानी करनी है, 23वें जोड़े को नहीं छेड़ना है, 45 46 को नहीं छेड़ना है। तो 1 से 22 तक की रेंज है आपके पास, कहां तक रेंज है, 1 से 22 तक। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, 13वें गुणसूत्र जोड़े में, ठीक है, 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अलिंग गुणसूत्र में हमारे पास जो रेंज है 1 से 22 जोड़े तक ही गड़बड़ी कर सकते हैं, तो 22 से ऊपर आपको जाना नहीं है, वरना 23 पर लिंग हो जाएगा। लेकिन बात तो क्या लिखी हमने, अलिंग लिखा है, क्या लिखा है, अलिंग। पटाऊ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में ढेर सारी असामान्यताएं आ जाती है, और असामान्यताओं के समूह को क्या कहते हैं, सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 1 से 22 तक, 22 से ऊपर जाना ही नहीं है, 18वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि, क्या हो जाती है, वृद्धि।
डाउन सिंड्रोम इस नाम से क्वेश्चन नहीं आया, किस नाम से क्वेश्चन आएगा? मंगोलियन मूर्ख। मंगोलियन मूर्ख रेंज कहां से कहां तक है? 1 से 22 तक है, 1 से 22 तक, 22 ऊपर हमें जाना ही नहीं है। तो 21वें गुणसूत्र जोड़े, 21वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम, क्या पैदा होगा? मंगोलिज्म मूर्ख। 18वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? एडवर्ड सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र जोड़े में अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि हुई तो फिर क्या हुआ? पटाओ सिंड्रोम। ये क्या लिखा है मैंने? अलिंग गुणसूत्र। क्या लिखा है? अलिंग गुणसूत्र। और परिवर्तन किसमें करा है? संख्या में। रेंज कहां तक थी? 1 से 22 तक थी। अगर 13वें में कर दिया तो क्या पैदा हो जाएगा? पटाओ। अगर 18वें में कर दिया तो क्या पैदा हो जाएगा? एडवर्ड। और मंगोलिज्म मूर्ख और डाउन सिंड्रोम को पैदा करने के लिए कौन से जोड़े में गड़बड़ी होनी चाहिए? 21वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि होनी चाहिए। तो अभी तक जो मैंने बात करी थी वो किसकी करी थी? संख्या की। लिंग में भी संख्या की करी थी, अलिंग में भी संख्या की करी थी। अब बात करते हैं संरचना की। चले आगे, संरचना में परिवर्तन। अब संरचना में परिवर्तन तो किसमें भी हो सकता है, लिंग में, अलिंग में, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं यहां पर? अलिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलिंग गुणसूत्र में। अलिंग गुणसूत्र की इस बार किसमें परिवर्तन करेंगे? संरचना में। अलिंग वर्ड सुनते ही दिमाग में ये वाली रेंज घूम जानी चाहिए, 1 से 22 तक, 22 के ऊपर जाना ही नहीं है। देखो, संख्या संरचना में परिवर्तन, अलिंग गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण हमारे पास कितने सिंड्रोम पैदा हो जाते हैं, कितने सिंड्रोम हमारे सामने आते हैं? तो एक तो आता है क्राइडू कैट सिंड्रोम। कैट बिल्ली, रोगी बिल्ली की तरह चिल्लाएगा। मानसिक रूप से क्या होगा? कमजोर होगा। क्या होगा? कमजोर होगा और रोगी बिल्ली की तरह चिल्लाएगा। ठीक है, ये तो लक्षण हुए, लेकिन 1 से 22 तक ऐसा हुआ क्या? देखो ध्यान से, 5वें गुणसूत्र जोड़े का एक टुकड़ा टूटकर, 5वें गुणसूत्र जोड़े का एक टुकड़ा टूटकर कौन से गुणसूत्र पे चला जाता है? 15वें पर। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत करते हैं। जब 5वें जोड़े के गुणसूत्र का एक टुकड़ा टूटकर 15वें पर चला जाता है तो क्या पैदा होता है? क्राइडू कैट सिंड्रोम। क्राइडू कैट सिंड्रोम के लक्षण बताइए। तो लक्षण क्या बताओगे आप? एक तो मानसिक रूप से क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। दूसरी बात, किसकी तरह चिल्लाएगा? बिल्ली की तरह। किसकी तरह चिल्लाएगा? बिल्ली की तरह। नेक्स्ट देखिए, जीर्ण मज्जा श्वेत रक्तता, मज्जा श्वेत रक्तता, या तो एक नाम तो ये है, जीर्ण मज्जा श्वेत रक्तता, या फिर क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया। क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, इसमें क्या होता है? नवे गुणसूत्र जोड़े का एक टुकड़ा टूटकर, नवे गुणसूत्र जोड़े का एक टुकड़ा टूटकर 22वें गुणसूत्र जोड़े पर जुड़ जाता है, या नवे गुणसूत्र जोड़े का एक खंड टूटकर कौन से जोड़े पर जुड़ जाएगा? 22वें पर। तो क्या पैदा होगा? जीर्ण मज्जा श्वेत रक्त, सीएमएल, क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया। इसमें क्या पाया जाता है रोगी में? ब्लड कैंसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड कैंसर पाया जाता है। तो एक तो ये, दूसरा ये किसकी वजह से हुए? अलिंग गुणसूत्र की वजह से। अलिंग गुणसूत्र का मतलब कहां से कहां तक? 1 से 22 तक। किसमें परिवर्तन करना है? संरचना में परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है? संरचना में। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने किससे होने वाले रोग पढ़े? वायरस से। उसके बाद हमने किससे होने वाले रोग पढ़े थे? जीवाणु से। उसके बाद हमने किससे होने वाले रोग पढ़े? प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ के बाद हमने किससे होने वाले रोग पढ़े थे? हेलिमंथीस से। हेलिमंथीस के बाद रोग कारक की श्रेणी में किसका नाम आता है? कवक का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? आनुवांशिक रोग। क्या पढ़े थे? आनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग के बाद कुछ अन्य रोग भी तो पड़े थे, थैलेसीमिया टाइप हो गया, अल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिंड्रोम पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? सिंड्रोम पढ़े थे, नाम पढ़े थे। केवल क्या पढ़े थे? नाम पढ़े थे। मैं केवल एक लिस्ट ही तैयार कर रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी रोग को भी मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा।
सारे रोग आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, केवल अभी एक लिस्ट तैयार करवाई आपको। तो ये सारे इन सबसे होने वालों के मैं आपको नाम बता चुका हूँ, ठीक है, इन सबसे होने वाले के मैं आपको क्या बता चुका हूँ, नाम बता चुका हूँ। सिंड्रोम में भी हमने कहीं पढ़े थे, जैसे लिंग गुण सूत्र की संख्या में परिवर्तन, अलिंग गुण सूत्र की संख्या में परिवर्तन प्लस अलिंग गुण सूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो एक छोटी सी लिस्ट हम तैयार कर चुके, ठीक है। अब ये जो मैंने रोग पढ़ा है कैसे हैं, सामान्य है या एस्टडी है? तो ये मैंने आपको सिर्फ क्या पढ़ा है, सामान्य एस्टडी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमणित रोग मैंने आपको अभी तक नहीं, एक का भी मैंने अभी तक आपको नाम नहीं लिखवाया। बस थोड़े सपने दिमाग में ये रखना कि जब मैं एसटीडी पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट जब मैं एसटीडी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये वायरस से हो रहे हैं, ये जीवाणु से हो रहे हैं, और ये किससे हो रहे हैं, प्रोटोजोआ से। किससे हो रहे हैं? एसटीडी में भी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी, यौन संक्रमित रोग में भी, हम ये तीनों श्रेणियां पढ़ेंगे, वायरस, जीवाणु और एक कोशिकीय जीव जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। तो ये जितने भी रोग अभी मैंने आपको एक लिस्ट तैयार करवाई है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, सामान्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसके अलावा और साथ में क्या पढ़ा दिए थे मैंने, अनुवांशिक, और साथ में क्या पढ़ा दिए थे मैंने, सिंड्रोम। क्या पढ़ा दिए थे? सिंड्रोम। सिंड्रोम में भी दो टाइप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लिंग, और क्या पढ़ा था, अलिंग। लिंग में सिर्फ क्या पढ़ा था हमने, संख्या में परिवर्तन पढ़ा था, अलिंग में हमने क्या पढ़ा था, संख्या प्लस में संरचना में परिवर्तन। अब आगे चलते हैं, यौन संक्रमित रोग, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, देखो तीन श्रेणियां है इसमें, ज्यादा श्रेणियां नहीं है, कितनी हैं, सिर्फ तीन है। पहला किसे पढ़ेंगे, वायरस, वायरस से होने वाले एसटीडी बताइए। तो एक तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, है ना, सबसे पहले जो हमने नाम लिखा था, सबसे पहले कौन सा नाम लिखा था, सबसे पहले हमने यही तो लिखा था, एड्स से तो लिखा था, क्या लिखा था, एड्स से लिखा था, ठीक है। तो वायरस से होने वाली एसटीडी में सबसे ऊपर आज भी क्या आता है, एड्स आता है। दूसरा देखिएगा, हर्पीस जेनाइटेलिस, ये जेनाइटेल्स, जेनाइटेलिस बोल सकते हो सीधा, हर्पीस जेनाइटेलिस या जेनाइटेलिस। तीसरा देखिए, कोंडाइलोमा, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, वर्ड थोड़े से उत्पटांग आएंगे, ठीक है ना, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम पहला है एड्स, तीसरा है कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। दूसरे को अगर मैं और लिखना चाहूं तो हर्पीस जेनाइटेलिस, लो हर्पीस, कितने हो गए, तीन हो गए। चौथा देखो, मोलस्कम, मोलस्कम क्वांटा या कॉन्टा, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है किताबों में शब्दों में, कॉन्टा जियोसम, मोलस्कम क्वांटा या कॉन्टा जियोसम, ठीक है। कोई सा वर्ड काम ले सकते हो, क्योंकि हमें वापस शब्द पहचानना है, क्या पहचानना है, शब्द पहचानना। अगर ये वाला वर्ड भी आपको नहीं मिलेगा तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा, कॉन्टा जियोसम। वायरस से होने वाली एसटीडी बताइए, वायरस से होने वाले यौन संक्रमित रोगों के नाम बताइए, विषाणु से होने वाले। नंबर वन पे आज भी क्या है, एड्स, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, 1981 यूएसए में हुआ था इसके को। दूसरा क्या, जेनेटाइस, अगर ये वर्ड भी नहीं आया, मान लेते हैं ये वर्ड भी नहीं आया लो, तो फिर क्या आ जाएगा आपके सामने, ये आ जाएगा। तीसरा क्या है, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेट, ठीक है, वर्ड का, शब्द का बार बार उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा, कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम। चौथा क्या है, मोलस्कम क्वांटा जियोसम, कोई सा भी वर्ड लिखाओ आ सकता है, ठीक है, हर किताब में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वर्ड लिख देते हैं, मोलस्कम क्वांटा जियोसम। ये हमने क्या पढ़े थे, वायरस से होने वाले चार रोग किस रोग की श्रेणी में आते हैं, ये चारों रोग किस श्रेणी में आते हैं, एसटीडी में आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आते हैं, या यौन संक्रमित रोग में आते हैं। अब आगे चलें अगली कैटेगरी, जीवाणु की बात करते हैं, जीवाणु से होने वाली एसटीडी। सबसे पहला, सबसे ज्यादा फेमस, सिफिलिस। क्या नाम है, सिफिलिस, क्या नाम है, सिफिलिस। अब अगर इस नाम से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आएगा फ्रेंच रोग, क्या आएगा, फ्रेंच रोग, और इसी का एक नाम और है फ्रेंच पॉक्स, क्या बोलोगे,
ट्रेंचर पॉक्स, और इसकी डिटेल पढ़ेंगे जो बता देंगे दांतों और हड्डियों पर अलग प्रकार के निशान बन जाते हैं उनको हटकिंसन के दांत कहते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल नाम देखिएगा, एक ये हो गया, दूसरा सुजाक, क्या नाम है सुजाक, इस नाम से क्वेश्चन नहीं आया तो गोनोरिया। तीसरा देखिए वेजाइनिटिस, क्या नाम है वेजाइनिटिस, पहला क्या था सिफिलिस, क्या था सिफिलिस या फ्रेंच रोग या फ्रेंच पॉक्स, दूसरा क्या था सुजाक, दूसरा नाम क्या था गोनोरिया, क्या नाम था गोनोरिया। नेक्स्ट क्या है वेजाइनिटिस, कॉनक्रोइड, 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 और पांचवा क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडियोसिस, ये सारे किससे होते हैं जीवाणु से, किससे होते हैं जीवाणु से, ये सब के सब जीवाणु से होने वाली क्या है एसटीडी, क्या है एसटीडी। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने विषाणु से होने वाले, नाम पढ़े थे सिर्फ, इसमें भी तो हमने नाम ही पढ़ा है, कौन सा डिटेल पढ़ा है हमने, ये जीवाणु से होने वाले। एक श्रेणी और बची है, लास्ट अपरोटो जो चले आगे, अच्छा उच्चारण देख लो अगर किसी में दिक्कत आती हो तो, सिफिलिस फ्रेंच रोग फ्रेंच पॉक्स, सुजाक गोनोरिया, वेजाइनिटिस कॉनक्रोइड, क्लेमाइडियोसिस, क्लेमाइडियोसिस। एक रोग है जो प्रोटोजोआ से होता है, वो एसटीडी की श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है एसटीडी की श्रेणी में आता है, ट्राइकोमोनियसिस, क्या नाम है ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, ये आपके रोग कंप्लीट हुए, नाम सिर्फ और सिर्फ नाम, सामान्य श्रेणी एसटीडी, वायरस हुआ, बैक्टीरियम हुआ मतलब जीवाणु हुआ आपका, प्रोटोजो हुआ, हेलिमंथीज हुआ, कवक हुआ, अनुवांशिक रोग हुए, सिंड्रोम हुए, सिंड्रोम में आपको लिंग अलिंग सब मैंने अच्छे से बता दिया है। तो आपकी एक अच्छी सी मैंने क्या तैयार करवा दी है, लिस्ट तैयार करवा दी है, क्या तैयार करवा दी है लिस्ट। और एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, मैं बड़ा क्लियर से समझा देता हूँ आपको, गलती से भी ये थॉट मत बनाना कि जो पवन सर ने पढ़ा दिया, जो पवन शर्मा सर ने पढ़ा दिया बस उसके आगे तो डिटेल है ही नहीं, ठीक है, ऐसा गलती से भी कोई अपनी थॉट ना बनाए, डिटेल तो बहुत है, डिटेल तो बहुत है, यहाँ केवल मैं आपको आपके स्तर का बता रहा हूँ, ठीक है, आपके लेवल के जितना काम में आता है उतना, क्योंकि विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह है कि आपके लेवल का जो है, आपके स्तर का जो है, उसमें बेस्ट करा रहा हूँ आपके लिए, अच्छे से अच्छा पूरा प्रयास है मेरा आपको अच्छे से मैं सब कुछ करा सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक अपना ब्लड होगा, क्या होगा ब्लड। धन्यवाद।